मैम, आपने वोट डाल करके अभी आप आए हो, इस बार हंदवाड़ा में क्या मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को सोच करके आपने वोट डाला है? हमें अच्छा लगता है वोट डालना, वोट ज़ाया नहीं करनी चाहिए, और हर एक चीज़ें कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये वगैरह होने चाहिए, और हर सड़कें, पानी वगैरह सब कुछ होना चाहिए, हमें वोट डालना अच्छा लगा। और आपके लिए कौन से वो मुद्दे सबसे ज्यादा अहम थे जिसको जहन में रख करके आपने वोट? बच्चे पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, हर एक बेरोजगारी है, बच्चों को सब बच्चे पढ़ लिखे बैठे हैं। इसके अलावा एक धारा 370 और 35 ए, क्या ये भी मुद्दा है आप लोगों के जहन में जब वोट डालने आते हो तो? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं है ये, वास्ता नहीं है। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं है, हमें तो हालात ही ऐसे ठीक ही लग रहे हैं, हमें कोई है नहीं कुछ है, बस थैंक यू। 370 बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसकी वापसी या जिस तरीके से हटाया गया ये कोई मुद्दा आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, हमारे लिए तो कुछ एक ही, सब बराबर है, बच्चों को नौकरी मिलेगी तो ठीक ही है, अब बच्चे पढ़ लिखे यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं, नौकरी नहीं हो रही है इन बच्चों को, बस थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण की पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू है। इस वक्त हम हंदवाड़ा के पिंक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, और इस पोलिंग बूथ पर 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है, बीएसएफ, सीआरपीएफ और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो इस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जो कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से निपटने में के लिए मुस्तैद हैं। इसके अलावा इस पिंक पोलिंग बूथ की हम खासियत आपको बताएं तो यहाँ पर जो है वो वुमेन फ्रेंडली पूरी तरीके से इस पोलिंग बूथ को जो है वो बनाया गया है, ताकि जो महिला मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आएंगे उन्हें किसी तरीके की परेशानी से रूबरू जो है वो नहीं होना पड़े। हम आपको दिखाएं, देखिए इस तरीके के जो रूम है वो लेडीज वेटिंग रूम, इसके अलावा फीडिंग रूम भी जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा जो ज्यादातर स्टाफ है यहाँ का वो यहाँ पर महिलाओं को जो है वो रखा गया है, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी जो है वो या हिचक जो है वो महिलाओं में ना रहे। ये पोलिंग बूथ के अंदर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें ज्यादातर जो चुनाव कर्मचारी हैं वो यहाँ पर महिला कर्मचारी हैं, और इस जाहिर तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज है, जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसकी ये खूबसूरत वानगी यहाँ पर ये भी देखने को मिली है कि इस पोलिंग बूथ पर जो है वो अब तक 50% के करीब जो है वो वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये एक जो है वो बहुत ही खूबसूरत मुजाहरा कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव को लेकर के है। और धीरे धीरे और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं अपनी पर्ची लेकर के, और इनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल, अपने मत का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर सके। तो पूरी जो प्रशासन की भी तरफ से जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है, और लोग जो है वो आकर के अपने वोट का इस्तेमाल यहाँ पर इस पोलिंग पिंक पोलिंग बूथ पर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक है। अच्छा महक जी, पहली बार वोट देने के लिए आए हैं आप? जी हाँ। बोल दीजिए आप यहाँ पहली बार वोट देने गए हैं? जी, मैं पहली बार यहाँ पे वोट देने आई हूँ। अच्छा, तो कितने एक्साइटेड हैं आप? थी पहली बार वोट देने? जी मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मेरा पहला वोट है, और कुछ नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें। हाँ, क्या मुद्दे थे, किस किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है, क्या चीज की बेहतरी चाहती है अपने इलाके में? मैं हर एक चीज की बेहतरी चाहती हूँ, और जैसे कि हम मतलब बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, वो दूर खत्म मतलब खत्म कर देना चाहते हैं, हम इसलिए वोट डालते हैं ताकि वो हमारी मतलब कुछ हेल्प कर सके। यही वोट की ताकत कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि सब कुछ उनके हाथ में होता है, जो भी सरकार के हाथ में होता है, जो सरकार बनेगी उनसे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह मतलब हमने अपना वोट डाला है तो ये जाया ना हो, और वो बेहतर मतलब बेहतरी करे इस कश्मीर में, जो भी बेरोजगारी वो खत्म हो जाए। और आप युवा हैं, प्रॉब्ली पढ़ाई करती होंगी? जी हाँ। एक युवा की क्या एस्पिरेशन, क्या ख्वाहिशात हैं सरकार से और अपने नुमाइंदे से? क्या करे आपका नुमाइंदा या आपका विधायक जिसके लिए आपने वोट दिया, वो आपके लिए क्या करे? पढ़ी लिखी आप महिला हैं? जी हाँ। तो और क्या करे आपके लिए? बस पढ़ लिख के हम एक मतलब नौकरी चाहिए, और क्या। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या धारा 370 भी आप लोगों के लिए एक मुद्दा है या इसको भुला चुके हैं? जी 370 आपके लिए मायने रखता है या फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव में? नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता 370 से? नहीं। यहाँ पर आपकी ड्यूटी है यहाँ पर?
अच्छा, क्या खास इंतजाम किए गए हैं आप लोगों की तरफ से वोटर्स को? इंतजाम है आपके सामने, इस पोलिंग बूथ को हमने जो है परसों से ही सजाया, इसमें तकरीबन एक हफ्ता लग गया इसको सजाने में, तो इसमें हर तरह की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की। और क्या क्या वोटर को अपने घर से निकाल करके पोलिंग बूथ तक लाने के लिए आपने और क्या क्या तैयारी की है? इसमें पहले हमने जो है फीमेल स्टाफ रखा है, फीमेल स्टाफ रखा है। और हाँ, इसमें हमारी कोशिश ये रही कि वोटर्स को जो है हर किस्म की सुविधा यहाँ पर हो, यानी हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पर हो। उसमें हमने जो है आप देख सकते हैं ये बेंचेस हमने रखे बाहर, सुबह यहाँ पर लंबी कतारें थी, जो बुज़ुर्ग लोग थे या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी या जिनको कोई और दिक्कत थी तो वो बेंच पर बैठ गए आराम से, लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, तो कोई जो है डिसऑर्डर नहीं हुआ, उससे कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ। और कितना जोश आपको देखने को मिला, वोटर्स जो आ रहे हैं अब तक कितने प्रतिशत वोट्स जो है वो अब तक कास्ट हो चुके हैं? मैं आपको कहूं कि जो पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन यहां पर हुआ तो उसमें नियर टू 70% रहा हंदवाड़ा का, अभी तक यहां पर हंदवाड़ा का नियर टू 70। इस बार मुझे लग रहा है एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार मुझे ये लग रहा है कि ये टर्न आउट जो है ये 80 टच करेगा, ये 80 टच करेगा। इस पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब तक कितने परसेंट पोलिंग जो है हो चुकी है? यहाँ इस वक्त तक जो है 39, नियर अबाउट 40% पोलिंग हुई। अच्छा। हाँ 40%। हाँ। और कितने उम्मीद कर रहे हैं कि ये जाएगी? ये मैं कह रहा हूँ कि 80% तक जाएगा शाम तक, 80% जाएगा। ठीक है, 80% जाएगा शाम तक, 80% जाएगा। और यहाँ का स्टाफ जो है वो पूरा फीमेल स्टाफ है, कॉपरेटिव स्टाफ है यहाँ पर सभी सभी सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है आपका? तो देखिए आप यहाँ पर ये जो पिंक बूथ है यहाँ पर, और यहाँ पर फीमेल स्टाफ जो है वो फीमेल स्टाफ है, ताकि किसी तरीके की कोई जो है वो दिक्कत जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, जम्मू कश्मीर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.